सहाबा सरकार के इशारे पर जान और माल और तन सब कुछ कुर्बान करने वाले जानिशार और वफादार ये कहते थे कि रसूल फरमा देते मेरे अली का घर मासूम बच्चों का घर इस तरह है, मालों से अंबारों से सारा घर भर जाता, सारा घर भर जाता। इसीलिए कुरान खुद फरमाता है कि प्यारे रसूल से अल्लाह ने फरमाने लगा कि दीन के बदले मेरा रसूल दुनिया नहीं चाहता। याद रखे, दीन के बदले दुनिया नहीं चाहता, मगर चाहते क्या है? अहले बैत की मोहब्बत, इल्ल मुवद्दत फिल कुर्बा, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। ये मोहब्बत का दर्श क्यों दिया है? आज ईमान मोहब्बत से मिला है, और वही ईमान में नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, हज फर्ज है, जकात फर्ज है। जब ये सारे फर्ज हैं, क्योंकि ये खुदा के अहकाम हैं, मगर ये फरमाने मुस्तफा हैं, इताअत मुस्तफा हैं, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अता करदा सिखाए हुए हैं, तो यही रसूल मोहब्बत अहले बैत देते हैं कि जितना इसको चाहते हैं हर ईमान वाले के लिए जरूरी है। मोहब्बत अहले बैत उसके लिए फर्ज आयन है। नमाज छूट गई तो कजा अदा कर सकते हैं, रोजा छूट गया तो कजा अदा कर सकते हैं, है कि नहीं है? मगर अहले बैत की मोहब्बत छूट गई तो कैसे अदा करेंगे? उसकी खजा भी नहीं है, वो खजा कहां से लाएंगे? क्यों? याद रखना, ये गारंटी नहीं है, ये गारंटी नहीं है कि इल्म और अमल जन्नत में ले जाएगा, इल्म और अमल जन्नत में ले जाएगा, ये गारंटी नहीं है, क्योंकि इल्म भुला भी जाता है और फख्र या घमंड या तकब्बुर से अमल रोंदा भी जा सकता है, ये मिट भी सकते हैं, खत्म भी हो जा सकते हैं। ये गारंटी नहीं है, इस बात पर एतबार मत करना बस। लेकिन मोहब्बत रसूल, मोहब्बत अहले बैत रसूल, नाज करें वो लोग, फख्र करें वो लोग जो नाने मुस्तफा पर, अहले बैत मुस्तफा पर मर मिटने वाले हैं। उनके पास अमल और इल्म कम भी है, मगर मोहब्बत इस बात का इकरार करती है कि प्यारे रसूल खुद फरमाते हैं कि जन्नत का सबसे पहले दरवाजा खोलने वाला मैं होगा, ए अली मेरे पीछे तुम होंगे, तुम्हारे पीछे फातिमा होगी, फातिमा के पीछे हसनैन और दरमैन होंगे, और हसनैन और दरमैन के पीछे सारे उनके चाहने वाले होंगे। सनद मिल गई ना, गारंटी मिल गई, मिल गई, उनके पीछे कौन होंगे? हम भी यही चाहते हैं, आगे पंजतने पाक हो, आगे पंजतने पाक हो, उन्हीं के तसद्दुक, उन्हीं के सदके हम भी पाक हो जाएं, हम भी पाक हो जाएं, और पाक होकर उन्हीं के साथ उन्हीं का दामन पकड़कर उन्हीं के पीछे जन्नत में चले जाएं। यही हमारा अकीदा है, यही हमारी मोहब्बत है, यही हमारी उम्मीद है। इसीलिए हम हर हमेशा याद हुसैन मनाते हैं। मनाते हैं क्या नहीं मनाते? दो तीन बार आया ना दूसरे में, यहाँ पे शादी मेरा तीसरे बार आना है शायद, मनाते हैं चौथी बार, हाँ चौथी बार। लेकिन ये खुश नसीबों को मुयसर होता है भाई, ये सबको मुयसर नहीं होता, ये सब खुश नसीबों को मुयसर होता है। जो जलसे में आने वाले में खुश नसीब है अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हीं के सहारे हम भी खुश नसीब हैं, क्योंकि हमको बोलने की सादत मिलती है, हम लोगों को सुनने की, है कि नहीं? कुरान पढ़ते कि नहीं पढ़ते? पढ़ते ना। अब बोलने की सादत कैसे मिलती है, मैं कुरान से आपको समझा रहा हूँ। पढ़ते कि नहीं पढ़ते? अब उलमा से पूछे, कुरान का एक हुर्फ पढ़ेंगे तो 10 नेकियां, सुभान अल्लाह, है कि नहीं? एक हुर्फ पढ़ेंगे तो कितने मिलेंगे? 10। दो पढ़ेंगे, तीन पढ़ेंगे, चार मिलेंगे ना, जितने पढ़ेंगे उतने 10 मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अब कुरान में ये शर्त नहीं है, कुरान में ये शर्त नहीं है कि कुरान अहकाम पढ़ो या अमसाल पढ़ो या मुतशाबिहात पढ़ो या मुहकिमात पढ़ो या मुकतितियात पढ़ो, ये शर्त नहीं है।
बस पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। वो आयत का शाने नुजूल ना देखो, समझ में आया ना, शाने नुजूल से सवाब नहीं, पढ़ने से सवाब है कि नहीं। अब ये भी शक नहीं है, क्योंकि कुरान में दोस्त का नाम पढ़ो या दुश्मन का पढ़ो, ये भी शक नहीं। कुरान में ये भी शक नहीं है कि मोमिन को पढ़ो या काफर को पढ़ो, ये भी शक नहीं। बात समझ में आई ना, मोमिन को पढ़ो या काफिर को पढ़ो। कुरान में ये भी शक नहीं, नबी को पढ़ो या नबी के गद्दार को पढ़ो, ये भी शक नहीं। बात समझ में आई ना, आई कि नहीं आई। ये भी शक नहीं किसी को, कुरान ने शक नहीं रखा, मगर तुम पढ़ो, तुम पढ़ो, मगर मोमिनों को पढ़ो तो भी उतना सवाब, काफिरों को पढ़ो तो उतना सवाब, नबियों को पढ़ो उतना सवाब, गुलामों को या गद्दारों को या मुनाफिकों को पढ़ो उतना ही सवाब, दोस्तों को पढ़ो उतना ही सवाब, दुश्मनों को पढ़ो तब भी उतना ही सवाब। मगर क्यों? ये इसलिए अल्लाह ने पढ़ा है। क्यों? अल्लाह ने पढ़ा है। ये कलमा अल्लाह का है। किसका है कलमा? किसका है? ये अल्लाह का है, ये अल्लाह का कलाम है। अब मैं कहता हूं, किसी ने कुरान में फिरौन पढ़ा, क्या पढ़ा? फिरौन। ये कौन है? दुश्मन है ना, काफर है, खुदाई दावा किया है, दुश्मन है, विलन ऑफ मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का है कि नहीं? बहुत बड़ा दुश्मन थे, उसका नाम रखा था दारुन नदवा। कौन सा दार है? दारुन नदवा। दार कौन सा है? कौन सा है? बिल खत्म हो गया वो, अब नहीं है, है नहीं है, मगर आज हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान में वो तो खत्म हो गया, मिट गया, मगर हिंदुस्तान में है। वहां पढ़कर जो भी आते हैं वो नदवी कहलाता है। ऐसे मौलाना यानी है, बड़े फखर करते हैं। मैंने पूछा कौन है, मौलाना नाम पहले बता दे, महबूब नदवी। मैंने, मैं परेशान हो गया, ये नदवा खत्म हो गया फिर आया कहां से? वो नदवा में अबू लहब, वो अबू जहल, बड़े बड़े कुफार साजिशें सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को किस तरह मतलब तकलीफ पहुंचाना, ये बातें हुआ करती थी, किस तरह शहीद करना, ये बातें हुआ करती थी वो दारू नदवा में। अब यहाँ इस दारू नदवा में अहले बैत के खिलाफ, औलिया के खिलाफ, सरकार की शान के खिलाफ सारी साजिशें वो गुस्ताखियां हो रही हैं, तो मालूम ये हुआ वो दारू नदवा मिट गया बनाम यहाँ दूसरा दारू नदवा पैदा हुआ। तो उनका काम आज ये लोग मुसलमानी लिबास में चेहरों में कर रहे हैं। लखनऊ में है ये, गांव का नाम ही बोलो, कहाँ है ये? हाँ, नदवतुल उलमा, दारुल नदवा है। अब दूसरी जगह कहीं भी नहीं है, ढूंढो तो भी नहीं मिलेगा। बस समझ में आई ना, यहाँ हिंदुस्तान में आ गया, मगर ऐसे नदवियों पे मत जाओ। बस समझ में आई ना, ये एक साजिश है। क्या है ये? ये साजिश है। अब सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम भी कुरान मजीद में है, आदम से लेकर अल्लाह तबारक व तआला 620 पैगंबरों का जिक्र कुरान में किया, और महबूबों का जिक्र किया, दोस्तों का जिक्र किया, और अपनों का जिक्र किया, दुश्मनों का किया, काफरों का किया, बदकारों का किया, यहां तक कि कुरान मजीद में बुतों का नाम भी पुकारा। कुरान मजीद में बुतों का नाम भी पुकारा। लात मन्ना व उज्जा, ये कौन है? बुत है। कौन है ये? बुत है। मगर कुरान ने पुकारा, मगर पुकारने वाला अल्लाह, उस पर किसी ने फतवा नहीं दिया। हमने बकरे पर गौसे आजम का नाम पुकारा तो फतवे लग गए। इनकी समझ में यही कहा ना, वो समझते हैं, इनकी समझ को देखो, उस पर किसी ने फतवा नहीं लगाया। वे उसमें, अब इस आयत पर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि इसमें बहुत सारे उलमा के, उलमा का इख्तलाफ है। तो बहरे कहे कुरान ने पुकारा मगर सवाब मिला। क्या मिला? सवाब मिला। जब कुरान पढ़कर
काफरों का जिक्र करने से, उनका नाम लेना, उनकी याद कुरान में करना, उनका जिक्र करना सवाब मिल सकता है, वही अल्लाह के महबूबों का जिक्र जहां चाहे वहां करते जाओ तो सवाब क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब ये जिक्र से याद हुसैन से क्या फायदा? मैंने पूछा खुदा से, पूछ नादान, फिर खत्म हो गया, नमरू खत्म हो गया, अबू जहल वो अबू लहब खत्म हो गया, सारी सल्तनतें कुफार खत्म हो गई, दुश्मन खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो जाने के बाद आदम के दुश्मन से लेकर सुबह कयामत के दुश्मनों तक जिक्र क्यों लाया कुरान में अल्लाह ने? तो मालूम ये हो कि दुश्मन को भी याद करो, दुश्मन को भी याद करो, इबरत हासिल होगी। दोस्तों को याद करो, मोहब्बत हासिल, दोनों को मिलाया ना। अगर दोस्त की दोस्ती बताना है, दोस्त की शान बताना है, तो दुश्मन को मिलाना है। अब खुदा से ही पूछो, खुदा की तारीफ कुरान में होती तो बस काफी था कि नहीं था? मगर शैतान को क्यों लाया? क्यों लाया भाई? अब काबे को जाते, तवाफ करते, हज करते, हज के लिए जाते कि नहीं जाते? तवाफ करते हैं, सैया सब को चूमा, इबादत की, सही किया, सब कुछ किया, मगर शैतान को खाता क्यों मारना? खाली यही होता तो बस काफी था ना। तो मालूम क्या है, वो भी घर पत्थर का है, ये बात याद रख लो, वो भी घर पत्थर का है, ये भी घर पत्थर का है, मगर पत्थर पत्थर में फर्क है। इस फर्क को समझो, वो पत्थर वहां है जहां सर झुकाए जाते हैं, ये पत्थर ऐसा है जिसे पत्थर मारे जाते हैं। तो मालूम ये है, इसको भी याद करो, उसको भी याद करो, मगर क्या, इसकी याद से इबादत मिलती है, उसकी याद से पत्थर मारे जाते हैं, है कि नहीं? तो दोनों का जिक्र भी, ये जिक्र हुसैन बेफायदा नहीं है, ये फायदा है, ईमान को ताजा करता है, ये चाहने वाले दिलों को सुरूर बख्शता है, और एक ऐसी कैफियत तारी होती है कि हम सब हुसैन के चाहने वाले हैं, इसमें कितनी खुशी होती है। कलम लोहे महफूज पर जब दोस्तों का नाम लिखने का हुक्म हुआ तो बहुत खुशी मनाता था, बहुत खुश हुआ करता था, बहुत खुशी से लिखता था। जब दुश्मन का नाम आता तो गमजदा होता था, गमजदा होता था। ए कलम, तू गमजदा क्यों है? ये तो दुश्मन का नाम है। तो मालूम ये हुआ, दुश्मन का नाम लो तो नफरत से, दोस्तों का नाम लो तो मोहब्बत से। दोस्त को मोहब्बत से ही याद करते हैं ना, नफरत से नहीं ना। मगर ऐसा नहीं कि दोस्त आ गए, चेहरे के तेवर बदल जाए क्योंकि विधि तो आ गए, एक दिन खता की, दो दिन खता की, ऐसे भी होता नहीं? अजीजों, बहरकत याद हुसैन से हमारा ईमान ताजा होता है, और हुसैन की शहादत ऐसी खाली के लिए नहीं है, ना वो सल्तनत के लिए गए और ना वो कुर्सी के लिए, ना खिलाफत के लिए। और बाज लोगों ने ये भी अकीदा बना लिया, बुखारी शरीफ की हदीस का हवाला देते हैं, कह देते हैं कि वो उस दुनिया की पहली जंग में कदम रखने वाला जन्नती है, मगर नादानों को ये भी नहीं मालूम कि पहली जंग में आया कौन है, पहली जंग में आया कौन है, वो जंगें कब हुई हैं और कौन शामिल हुए हैं। ऐसे तो कुस्तियां की जंगियों में कई कई बार हुई है, और यजीद से पहले सहाबा ने कई बार उस पर जंग की है, कई बार हमला किया है, मगर नादानों के पास तारीख नहीं है, बल्कि कह देते हैं बुखारी शरीफ है, सरकार ने फरमाया है वो जन्नती है, यजीद हमला किया था इसलिए यजीद जन्नती है। अरे नादान, यजीद जन्नती है जो तुम लोग ही कहते हैं ना, तुम लोगों का ही बात, तुम लोगों की ही बात है, तुम खुद कहते हो कि सरकार को इल्म गैब नहीं है, सरकार को इल्मे गैब नहीं है, मगर ये इल्मे गैब नहीं तो और क्या है? एक तरफ कहते हो सरकार को इल्मे गैब नहीं है, यहाँ कहते हो यजीद के लिए फरमाया कि जन्नती है, यजीद के लिए कब फरमाया? जब यजीद ही पैदा नहीं हुआ। एक तरफ से वो इल्मे गैब होने का भी इकरार करते हैं और यजीद की भी तरफदारी करते हैं, लेकिन अजीज यजीद की तरफदारी वही करते हैं जिनकी जमात से जो आते हैं, ये उसी की जमा से आते हैं ना। अब मैं इनका भी पता लगा लो, देखो अल्हम्दुलिल्लाह आज मोमिनों के घरों में, मुसलमानों के घरों में चार बच्चे हैं, एक हुसैन मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना, हुसैन मिलेगा। जो हुसैन होगा वो हसीन भी होगा, किरदार भी हसीन होगा, चाल चलन भी हसीन होगी, क्यों? हुसैन ही हसीन है, हसीन ही हुसैन है, है कि नहीं? एक हुसैन मिलेगा। आज
यजीद को जन्नती बताने वालों से पूछो, उनके घरों में देखो, उनकी जमातों में देखो, किसी का नाम यजीद है? भाई जन्नती है ना, अरे जन्नती है, क्योंकि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है हसन और हुसैन जन्नती नामों में से दो नाम हैं, तो मालूम ये हुआ हसन और हुसैन की जन्नती नाम है। अब इन लोगों का अकीदा देखो, अगर यजीद इनके अकीदे में जन्नती है तो जन्नती का नाम रखना इनके लिए जायज है कि नहीं? कल से देखिए तो पुकारना, ऐ इब्ने यजीद, ऐ इब्ने यजीद, बोलेंगे यजीद क्यों? अरे यजीद जन्नती है तुम्हारे अकीदे के मुताबिक, जन्नती नाम रखते रखना हलाल है ना, हलाल है कि नहीं? जायज है, हलाल है, रखो। मगर वो भी जानते हैं कि यजीद का नाम कोई नहीं रखते। सुना कहीं पे, कहीं किसी का नाम सुना यजीद या इब्ने यजीद? नहीं सुना ना, कहीं को नहीं रखते। बुखारी शरीफ की हदीस सुना दो, पहला हमला करने वाला जन्नती, तुम्हारे अकीदे के मुताबिक जन्नती है, नाम रख लो, मगर नहीं रखते। उनमें भी नाम रखते हैं हुसैन, हुसैन। अब मैंने पूछा नाम हुसैन क्यों रख लेते हैं भाई, जबकि हुसैन से चलते हैं, हुसैन नाम पुकारते हैं तो याद हो जाती। इधर फायदा भी लेना चाहते हैं मगर पर्दे में, पर्दे की आड़ में। मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते सर, पर्दे की आड़ में, बाहर शिर्क बिद्दत जायज नहीं, अंदर मामला सब परफेक्ट। ऐसा ही होता, छुप छुपे क्या है, हाँ सब चलता, बाहर बातें मनाते। क्यों? इनमें भी इन वाले हैं, ये भी हकीकत को जानते हैं, मगर क्या करें बेचारे मजबूर हैं, क्योंकि अंग्रेज के गुलाम बन चुके हैं। अब वो जैसा होता वैसा करना, उन्हें सिर्फ चार स्टप्पा दाल को डांस करवा बोले तो पूरा आनंद फोड़ देता, क्यों वो खुश होकर और भी खुश हो जाता। ऐसे लोग आए, बात समझ में आई? मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम हुसैन वाले हैं। कौन है? हुसैन वाले हैं। हुसैन की शहादत बेकार नहीं है, ये सल्तनत और खिलाफत की नहीं है, ये जंग की नहीं है। अगर ऐसी होती तो सरकार हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु साजो सामान के साथ पूरी तैयारी के साथ पूरी फौज को लेकर जाते मदीना, तो मदीना मक्के वाले सारे जवान हुसैन के साथ होने के लिए तैयार, हजारों की फौज लेकर चले जाते, मगर नहीं नहीं, क्योंकि ये तय पहले हो चुका था, ये तय पहले हो चुका था। मगर इस शहादत के बारे में अभी उस वक्त तक ये बात कर दो बला का जिक्र भी नहीं आया था। प्यारे रसूल जानते हैं कि हुसैन शहीद होने वाला है, मौला अली जानते हैं हुसैन शहीद होने वाला है, माँ फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जानती हैं कि हुसैन शहीद होने वाला है, मगर किसी ने भी दुआ ये नहीं की कि ऐ अल्लाह मेरे हुसैन को बचा ले। दुआ करते तो क्या उनकी दुआ खाली जाती? खाली जाती नहीं जाती ना, मगर नहीं, बस इतनी दुआ की है कि ए अल्लाह ऐसा वक्त आया तो मेरे हुसैन को साबित कदमी अता फरमा, मेरे हुसैन को सब्र इस्तेखलाल अता फरमा, क्योंकि शहादत से क्या होने वाला है वो जानते थे, शहादत से क्या होने वाला है। अरे जिनके एक चेहरे से, जिनके सिर्फ एक बार चेहरे को देखने से हजारों के ईसाई भाग गए, अब ऐसे हुसैन की शहादत से दुश्मन दुश्मन रसूल सारी बगावतें सारी जुल्मतें क्यों नहीं भागेंगी? इसीलिए उनका सदका है सुबह कयामत तक के, आज इस्लाम जिंदा है, हुसैन के चाहने वाले जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, और हर शहीद जिंदा होता है। जैसे सामने आपने मौलाना ने फरमाया कि हुसैन जिंदा है वल्ला, जैसे कुरान की आयत गवाह है, और इसी तरह जो जिंदा है शहीद, जो जिंदा है जो खुदा और उसके रसूल की राह में कटता है फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, रसूल की राह में, इस्लाम की राह में, कुरान की राह में, हक की राह में जो शहीद हो जाता है वो जिंदा है, मगर हमारी नजरों में वो शहीद है, हमारी नजर का धोखा है। क्या है? हमारी नजर का धोखा है, वो शहीद हो चुका है, जान निकल गई है, शहीद हो गया है, मगर कुरान फरमाता है बल अहया, हाँ वो जिंदा है। क्या है वो जिंदा है, क्यों? जिसके दिल में उसकी याद जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
जिसके दिल में उसकी याद जिंदा है, इसीलिए कहते हैं उनकी याद को तुम्हारे दिलों में जिंदा रख लो तो तुम भी जिंदा हो। बैठना चलना फिरना ये जिंदगी नहीं है, बैठना चलना फिरना खाना पीना सोना ये जिंदगी नहीं है। जिंदगी वो है जिसकी बंदगी के साथ मोहब्बत अहले बैत को दिल में रख लो, ये सबसे बड़ी बंदगी है। मोहब्बत रसूल सबसे बड़ी बंदगी है, वो बंदगी जिसके पास है उसी की जिंदगी है, वो जिंदगी हमेशा जिंदा यहां भी है कब्र में भी है जिंदा कयामत में भी जिंदा, उसको मौत है ही नहीं। हाँ मुर्दा वो है चलते फिरते हैं जिसके दिल मुर्दा है, जान निकलने से जान रहने से जिंदा मुर्दा नहीं, दिल के जिंदा दिल के मुर्दा से जिंदा मुर्दा है। अबू जहल वो अबू लहब को भी कुरान ने मुर्दा कहा, ला तुस्मिउ इल्ला मौता, अल्लाह का कुरान फरमाता है और के ये मुर्दे हैं जो तेरी बात को नहीं सुनते, ला तुस्मिउ इल्ला मौता नहीं सुनते। अब मुर्दे कहां है वो चलते फिरते हैं, मगर क्या है बात, दिल मुर्दा हो गए। और दिल मुर्दा कैसे हो गए, दिल मुर्दा कैसे हो गए, किरदार से नहीं, रसूल से नफरत, रसूल को सताने से, रसूल को रुलाने से, रसूल से बगावत करने से। और मोहब्बत कैसे, जिंदा कौन, वही सिद्दीक व उमर हैं, वो भी मक्के वाले ये भी मक्के वाले, पास में आएंगे, मगर उन्होंने मोहब्बत की है इन्होंने नफरत की है, नफरत का नाम काफर बना दिया है, मोहब्बत का नाम सिद्दीक व उमर बना दिया। तो यही मोहब्बत चाहिए, यही मोहब्बत के लिए, यही मोहब्बत का पैगाम अहले सुन्नत देती है, अहले सुन्नतुल उलमा, उलमाए हक यही मोहब्बत हर हमेशा फैलाते हैं उम्मत मुस्तफा पर। ये उनका भी हक और उनका बहुत बड़ा करम है अहले सुन्नतुल उलमा का कि इसी के बारे में मोहब्बत रसूल के करीब उम्मत मुस्तफा को करती है, अहले बैत की मोहब्बत के करीब उम्मत मुस्तफा को करती है, इनमें बहुत बड़ा किरदार बहुत बड़ा एहसान उनका भी है। तो अजीजों हमेशा याद रखना कि मोहब्बत के साथ रहेंगे तो एक बने रहेंगे, और अगर मोहब्बत नहीं रही तो मुंतशर हो जाएंगे, मगर मुंतशर जब हो जाएंगे तो दुश्मन आसान से कब्जा कर लेगा, जब एक रहेंगे तो बड़ी सी बड़ी ताकत भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए ऐसे जलसे हमेशा करते रहें, ऐसे जलसे हमेशा